हाई गाइज एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आज है डे 4 हेयर ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज का एंड डे 3 पे मैजिकल रिजल्ट। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाएं, डे 1, डे 2 और डे 3 की रेमेडी देखें और रिजल्ट देखें। सिर्फ 3 दिन रेमेडी अप्लाई करने के बाद क्या जादू हुआ है। तो जो लोग नहीं समझ पा रहे मैं क्या बात कर रही हूँ, तो मेरे चैनल पे चल रही है एक हेयर ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज जिसका आज डे 4 है। तो अगर आप पिछले 3 वीडियोस को अभी तक नहीं देखे हैं तो जाकर देख लें, तो आप कम्प्लीटली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट। तो आज है डे 4 और डे 3 पे हम लोगों ने हेयर वॉश कर लिया था। बालों से सारे कंटेंट जो भी डे 1, डे 2, डे 3 पे अप्लाई किए थे सारे के सारे रिमूव कर दिए थे एंड रिजल्ट्स आर फैबुलस। रिजल्ट्स तो इतने अमेजिंग थे कि मैं उसके बारे में आपको क्या बताऊँ, उसको आपको देखना ही पड़ेगा। तो जल्दी से जाएँ देख लें। यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा एंड आगे आपको वीडियोस के लिंक मिलते रहेंगे एंड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं एंड चैनल में विजिट करके आप इस सीरीज़ के सारे वीडियोस को देख सकते हैं। आज है डे 4। कल क्योंकि बाल हम लोगों ने धो दिए थे और बालों पे उसके बाद कुछ भी अप्लाई नहीं किया था, बालों को ऐसे ही छोड़ दिया था। आज हम लोग अप्लाई करेंगे एक हैना पैक जो कि होगा स्पेशली हेयर ग्रोथ एंड हेयर को कंडीशन करने के लिए। अगर आपको नहीं पता है तो हेना एक नेचुरल हेयर कंडीशनर होता है जो कि आपके बालों को एक्सट्रीमली सॉफ्ट मॉइस्चराइज बना देता है, आपके बालों के ख़राब सराब टेक्सचर को बिल्कुल स्मूथ एंड मैनेजेबल बना देता है। आपने अगर अपने बालों को बहुत ज़्यादा डैमेज कर रखा है एक्सेस केमिकल ट्रीटमेंट्स करा कर, तो हेना एक ऐसी चीज़ होती है जो आपके बालों के टेक्स्चर को रिवाइव करने में हेल्प करता है, आपके बालों के टेक्स्चर को कम्प्लीटली स्मूथ एंड आउट कर देता है। होता क्या है, जब हम लोग कोई केमिकल बेस्ड ट्रीटमेंट कराते हैं अपने बालों पे, वेदर इट्स केराटिन ट्रीटमेंट, रीबॉन्डिंग, कोई हेयर कलर, ग्लोबल हेयर कलर, या फिर हम लोग जो हाइलाइट्स कराते हैं, इन सारी चीज़ों को कराने की वजह से कहीं ना कहीं हमारे बाल डैमेज हो रहे होते हैं। केराटिन ट्रीटमेंट तो फिर भी बाकी चीज़ों से थोड़ा बेटर होता है, बट बाकी ट्रीटमेंट्स दे कैन डैमेज योर हेयर। अगर आपने रिबॉन्डिंग या केराटिन या स्मूदनिंग इस तरह के ट्रीटमेंट पार्लर में जाकर कराए हुए हैं तो आपको पता होगा कि वो करने के लिए हमारे बालों को हीट दी जाती है, क्रीम अप्लाई करने के बाद स्ट्रेटनिंग की जाती है, एक्सेस हीट प्रोवाइड की जाती है और बहुत कस कस के खींचा जाता है बालों को स्ट्रेटन आउट करने के लिए, जिससे हमारे बाल जो होते हैं उस टाइम पर तो स्ट्रेटन आउट हो जाते हैं, बट आफ्टर 6 मंथ्स और 1 ईयर जब वो ट्रीटमेंट का असर ख़त्म हो रहा होता है, बालों का टेक्सचर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। वो जो कस कस के हम लोग के बाल ऐसे खींचे जाते हैं स्ट्रेटन आउट करने की, उसकी वजह से बाल हमारे डैमेज हो जाते हैं कम्प्लीटली। तो उस टेक्सचर को रिवाइव करने में भी हेना बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो जो लोग हेना नहीं यूज़ करते हैं किसी भी रीज़न से, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए, लेकिन अगर आप एक बार ट्राई करेंगे यू विल लव इट। जो लोग ये समझते हैं कि हेना सिर्फ यूज़ किया जाता है बालों को कलर करने के लिए, और कुछ लोगों को उसका कलर पसंद भी नहीं होता है, लाइक ऑरेंज सा शेड जो आ जाता है मुझे बहुत गंदा लगता है, लेकिन जिस तरह से मैं हेना को बना के अप्लाई करती हूँ, अगर आप वैसे बना के अप्लाई करेंगे आपको कभी भी ऑरेंज कलर नहीं आएगा, रेड टाइप का कलर नहीं आएगा। हेना एक्चुअली एक ऐसी चीज़ होती है जिसको आपको मॉडिफाई करना पड़ता है अपने हिसाब से, लाइक आप अगर उसको कलर देना चाहते हैं उसमें अलग इंग्रेडिएंट्स ऐड होते हैं, आप कंडीशनिंग चाहते हैं उसके अलग इंग्रेडिएंट्स ऐड होते हैं, आप ब्राउन बरगंडी कोई भी कलर चाहते हैं तो सब में अलग अलग इंग्रेडिएंट ऐड होते हैं। बेसिक हेना मैं जो बनाती हूँ उसमें मैं थोड़ा सा ब्राउन जब मैं बनाती हूँ कलर वाली तो उसके इंग्रेडिएंट ऐड करती हूँ, ताकि जो थोड़ा बहुत भी कलर आए तो वो ब्राउन ही आए, ऑरेंज टोन ना आए, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है वो टोन। तो आज हम लोग जो हेना बनाने जा रहे हैं वो इनके हेयर के हिसाब से बनाने जा रहे हैं, ताकि इनके बालों को बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ में बेनिफिट हो एंड इनके बालों को जो कि नीचे से डैमेज हो गए हैं उसको मजबूती मिले। काफ़ी हद तक डैमेज रिपेयर हो चुका है 3 दिन की रेमेडीज अप्लाई करने के बाद, लेकिन ये वाली रेमेडी अप्लाई करने के बाद कम्प्लीटली डैमेज चला जाने वाला है। तो चलिए पहले इसको बनाना देख लेते हैं कैसे हम लोगों को हेना को प्रिपेयर करना है, उसके बाद मैं आपको अप्लाई करने का मेथड बताती हूँ। तो हेना को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है पानी, ये 2 कप के करीब पानी होगा। इसमें सबसे पहले हम लोग को लौंग ऐड करनी है। लौंग ऐड करने से जो हमारा कलर होता है हेना का वो रेड टाइप का नहीं आता है, और जो भी कलर होता है इसका वो काफ़ी लॉन्ग स्टे करता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐड करी 1 टीस्पून करीब लौंग। इसको अच्छे से खौला लेना है हमको पानी के अंदर। साथ में हम लोग को चाहिए कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी पाउडर से आपका हेना का कलर डार्क ब्राउन आएगा। जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है कि उनके बाल ऑरेंज या रेड टाइप के हो जाते हैं ना लगा के, इस वजह से वो हेना को यूज़ नहीं करते हैं, तो कॉफ़ी डालने से ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ
2 टीस्पून कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी बहुत अच्छी होती है ग्रोथ के लिए भी। अब इस पानी को अच्छे से खौला लेना है हम लोग को। हैना बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये वाली हैना पाउडर गोदरेज नुपुर की। ये 100% प्योर है ना, इसमें कोई कलर नहीं ऐड है, तो आपके बालों में ज़्यादा कलर नहीं आएगा इसको यूज़ करने से। ट्राई करें कि अच्छे ब्रांड की यूज़ करें और 100% प्योर वाली ही यूज़ करें। सो ये 150 ग्राम हैना का पाउच है जिसे मैं यूज़ कर रही हूँ पूरा, क्योंकि मुझे नहीं पता उनके बालों में कितनी हैना लगेगी और जितनी बचेगी मैं यूज़ कर लूँगी, क्योंकि मुझे अपने बालों में हैना अप्लाई करना बहुत ज़्यादा पसंद है। बाल इससे एकदम स्मूथ हो जाते हैं और टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाता है बालों का। हेयर ग्रो ना होने की प्रॉब्लम इनको बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आंवला रीठा शिकाकाई का पाउडर। सबका 2 टीस्पून ऐड करूँगी मैं इसमें। सो ये हो गया आंवला एंड ये है रीठा का पाउडर। इन सारी चीज़ों के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे जो लोग परचेज़ करना चाहें। इन केस आपके पास ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, सिर्फ हैना का पाउडर भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। एंड ये है शिकाकाई का पाउडर। शिकाकाई एक नेचुरल शैम्पू होता है, तो इसको यूज़ करने से हैना बालों से बहुत ही ईजिली रिमूव होती है। शिकाकाई का पाउडर ऐड कर लेंगे इसमें। पहले इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं अच्छे से इस पानी को खोलते हुए, तो अब हम लोग उसको बंद कर देंगे और इसे थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पे आने देंगे, उसके बाद है ना हमें मिक्स करेंगे। सो ये जो पानी हम लोगों ने प्रिपेयर किया है इसे स्ट्रेन करके इसमें ऐड करेंगे। एक बार में पूरा ना ऐड करें ताकि आपको मेजरमेंट का अंदाज़ा हो। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, जितनी आपको ज़रूरत होगी उस हिसाब से ही पानी आपको इसमें ऐड करना है। हैना का ये जो पेस्ट हम लोग को तैयार करना है, जितना हो सके उतना स्मूथ तैयार करना है। जितना स्मूथ हम लोग इसे तैयार करेंगे उतना आसान होगा अप्लाई करना और उतना ही आसान होगा इसको रिमूव करना। अगर इसमें लम्स होंगे तो आपको अप्लाई करने में भी प्रॉब्लम होगी एंड अप्लाई करने के बाद रिमूव करने में भी प्रॉब्लम होगी। आपके बालों से ये ईजिली रिमूव नहीं होगी अगर इसमें लम्स होंगे। अगर ये बिल्कुल चिकनी होगी तो बहुत आराम से आपके बालों से ये रिमूव हो जाएगी। एंड अगर आपके घर में हैंड ब्लेंडर है जैसा कि मेरे पास है, तो मैं भी हैंड ब्लेंडर से इसको मिक्स करूँगी तो बहुत स्मूथ हो जाएगा। अगर हैंड ब्लेंडर नहीं तो हाथ से ही कर लें, थोड़ा टाइम लगेगा बट हो जाता है। मैंने सारा का सारा लौंग का पानी, लौंग एंड कॉफ़ी वाला पानी इसमें डाल दिया है। अभी भी मुझे ये थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है तो मैं इसमें नॉर्मल पानी ऐड करूँगी। सो स्पून की हेल्प से जितना हो सकता था मैंने कर दिया, अब मैं इसे हैंड ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड करने वाली हूँ। सो हैंड ब्लेंडर की वजह से बहुत ही स्मूथ पेस्ट बन चुका है, इसमें कोई लम्स नहीं दिख रहे हैं। अब लास्ट में हम लोग इसमें ऐड कर लेंगे कैस्टर ऑयल, क्योंकि हेयर ग्रोथ के लिए बेसिकली हम लोग बना रहे हैं, कलर के लिए नहीं बना रहे हैं, हेयर को कंडीशन करने के लिए और हेयर को ग्रो करने के लिए बना रहे हैं, तो इसलिए हम लोग उसमें कैस्टर ऑयल ऐड करेंगे। सो अराउंड 3 टीस्पून कैस्टर ऑयल मैंने इसमें ऐड किया हुआ है, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये है ना बन के रेडी है, बट इसे हम लोग अभी नहीं यूज़ कर सकते, इसे आपको ओवरनाइट रख देना होगा इसी तरह से बनाकर। अगर आप ओवरनाइट रखने का टाइम नहीं है तो आप इसे 3 से 4 घंटे ज़रूर इस तरह से सोक करके रखें, उसके बाद ही इसको यूज़ करें। तो मैं इसे ढक के रखने लग गई हूँ अब, और कल हम लोग इसको अप्लाई करेंगे। तो इसको बनाना कैसे है आप देख चुके हैं, अब मैं आपको इसको अप्लाई करने का मेथड बताती हूँ। जैसे कि आप इनके बालों को देख सकते हैं कम्प्लीटली फ्रेश हैं, बिल्कुल वॉश किए हुए हैं, इसमें कोई भी तरह का ऑयल या कुछ भी अप्लाई नहीं किया हुआ है। तो अब हम लोग इनके बालों के छोटे छोटे सेक्शन लेंगे और उसमें है ना अप्लाई करना शुरू करेंगे। जिस तरह से मैं आपको अप्लाई करके दिखा रही हूँ बेसिकली इस तरह से आपको अप्लाई करना है। छोटे छोटे मैंने सेक्शन लिए इनके बालों के और उसके बाद अच्छे से हैना को अप्लाई कर दिया है। और अप्लाई करते करते आप
एक बन फॉर्म किया है और आप देख सकते हैं कम्प्लीटली है ना अप्लाई हो चुकी। इसको अप्लाई करने के बाद हम लोग को 2 घंटे का वेट करना है, उसके बाद आपको नॉर्मल पानी से इस हेना को वॉश कर देना है। ध्यान देना है कि जिस दिन आप इसको वॉश करेंगे हेना को, उस दिन आपको शैम्पू यूज़ नहीं करना है, नॉर्मल पानी से सारी हेना को आपको अपने हेयर से रिमूव कर देना है, ठीक है। तो उसके बाद आपको अपने बालों को नेचुरली सुखाना है और उसके बाद इसे छोड़ देना है। आज अब हम लोग को इसके बाद कुछ भी अप्लाई नहीं करना है, बालों को ऐसे ही छोड़ देना है। आज था day 4 और day 4 की रेमेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। अब कल है day 5। कल day 5 पे इसी टाइम मेरे चैनल पे विजिट करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपको बताऊँगी day 5 पे हम लोग को ऐसा क्या करना है कि हमारे बाल बहुत ज़्यादा मजबूत बन जाएंगे और है ना जो हम लोग ने अप्लाई करी है उसके भी बेस्ट रिजल्ट आएंगे आफ्टर जब हम लोग शैम्पू करेंगे। तो मैं मिलती हूँ कल हेयर ट्रांसफॉर्मेशन के day 5 में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।